आज हम लोग बात कर रहे हैं देश के स्मार्टफोन के बारे में, मतलब रेडमी 5A के बारे में, जिसे रेडमी ने एक टैग लाइन दिया है देश का स्मार्टफोन। लेकिन घंटा नहीं इसमें देश के स्मार्टफोन की जैसी कुछ बात है, बस इसकी असेंबलिंग यहाँ पर हो रही है, मतलब इसके पार्ट पुर्जे यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। बस इसमें यह है कि इंडियन के बहुत सारे लैंग्वेज इसमें सपोर्टेड हैं। प्रोडक्शन तो इसका वहीं पर हो रहा है जहाँ पर होना चाहिए, चाइना में, वहाँ से सारे सामान इंडिया में लाकर उसे एक जगह जोड़ दिया जा रहा है। बस इसमें क्या कहते हैं, इंडियन लैंग्वेज को इंक्लूड कर दिया गया है। तो पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर लूँ, अगर आप 5-6 हज़ार रुपये लेकर जेब में घूम रहे हैं कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी तो है तो चाइनीज़ ही। तो चलिए दोस्तों, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं फंजून हिंदी टेक। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। Please don't forget. All my friends are here, take it slow. तो सबसे पहले इसमें आपको इसकी डिस्प्ले मतलब फुल HD में नहीं मिलेगी, हाफ HD में मिलेगी। मतलब मेरे हाफ HD करने का मतलब 1280x720 पिक्सल, और इसकी स्क्रीन साइज मिलेगी 5 इंच की, इससे ज़्यादा की इसमें नहीं है। और इसके पहले सबसे मैं इसके दो डिसएडवांटेज बता दूं, जो कि एक एक स्क्रीन रेजुलेशन जो इसकी है वो कम मिलेगी, मतलब 1280x720 पिक्सल में। और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, जो कि सभी रेडमी के स्मार्टफोन में, शोमी के स्मार्टफोन में आते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन इसमें एडवांटेज भी है कि आपको बहुत कम में फ़ोन मिल रहा है। इसके सबसे पहले इसमें दो कैटेगरी के फ़ोन आएंगे, पहला 2 GB रैम वाला 16 GB इंटरनल में, जिसमें 5,999 रुपये मिलेगा, जिसमें आपको 1,000 रुपये की छूट दी जाएगी। और दूसरा 3 GB रैम, और क्या कहते हैं, इसमें 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, इसमें भी आपको 1,000 रुपये की छूट जाएगी। इसकी प्राइस है 6,999 और 2 GB इंटरनल वाले की प्राइस है, सॉरी इंटरनल ही रैम वाले की प्राइस है 5,999। इसमें आप जो 5 मिलियन पहले कस्टमर होंगे उनको 1,000 रुपये की छूट जाएगी, अदर बाकी बात कस्टमरों को छूट नहीं देगा। मतलब 50 लाख कस्टमर में अगर आप आते हैं तो आपको 1,000 रुपये की छूट मिलेगी, अगर आप बाहर हो जाते हैं तो आपको वो छूट नहीं मिलेगी। लेकिन क्या कहते हैं, अगर आप किसी जियो से भी जियो सिम लगाकर इसमें 1,000 की छूट पा सकते हैं, वो भी रिचार्ज वाउचर के थ्रू, आपको वाउचर के रूप में दिया जाएगा 100-100 रुपये करके 10 महीने तक। आप 199 का रिचार्ज किए उसे शायद 100 रुपये कैशबैक मिलेगा। इस तरह आप इस फ़ोन पर 2,000 रुपये की छूट पा सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर 5-7 हज़ार रुपये लेकर आप घूम रहे हैं फ़ोन के बारे में, तो आँख मूंद कर ये फ़ोन ले सकते हैं। लेकिन मैंने इसके दो डिसएडवांटेज बताए, चलिए आगे का स्पेसिफिकेशन हम लोग जानते हैं। इसकी बैटरी आपको क्या कहते हैं 3000 mAh की मिलेगी। इसका कैमरा आपको क्या कहते हैं 13 MP रियर कैमरा और 5 MP फ्रंट कैमरा मिलेगा। और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, ये दो टाइप से अवेलेबल है, 3 GB रैम और 2 GB रैम। आप इसे एक्सपेंड करके 128 GB तक कर सकते हैं, मतलब आप मेमोरी कार्ड लगा दीजिए तो ये 128 GB तक सपोर्टेड है। आप इसमें बड़ी आसानी से बहुत सारी स्टोरेज रख सकते हैं। इसकी बैटरी भी अच्छी खासी है, और आपको जैसा कि पता है इसमें नॉन रिमूवेबल बैटरी है। और इसका क्या कहते हैं प्रोसेसर आपको मिल जाएगा 1.4 GHz का, और एंड्रॉयड वर्जन 7.1.2 नोगट मिलेगा। आप इसे क्या कहते हैं अपडेट करें कि MIUI 9 तक कर सकते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट वर्जन है सबसे रेडमी में MIUI 9। तो आप इसे अपडेट करके वहां तक पहुंचा सकते हैं, जो इसका थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, आपको नए वर्जन की फ़ोन मिल जाएगी मतलब इसे अपडेट करने के बाद। और इसमें स्नैपड्रैगन की बात की जाए तो 400 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 का यूज़ किया गया है। कहने को तो ये देश का स्मार्टफोन बोला जा रहा है, लेकिन इसमें देश के जैसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार जान लीजिए, चाइनीज़ फ़ोन चाइनीज़ ही होता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ये था आज की स्पेसिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप 5-6 हज़ार मैं रिकमेंडेड करूँगा कि अगर आपको लगता है चाइनीज़ फ़ोन अच्छा है तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं, क्योंकि अभी रेडमी का बहुत अच्छा मार्केट है, इसने कहाँ का सैमसंग को बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों आप हमें बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या आप रेडमी का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।